जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर। सुबह आर्मी एम्बुलेंस पर की थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अफसरों के मुताबिक एक आतंकवादी की बॉडी मिल गई है। सुबह 7:26 पर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास भट्टल इलाके में इन आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकवादी भट्टल इलाके में जंगल से लगे शिव आसन मंदिर में एक मोबाइल ढूंढ रहे थे। उन्हें किसी को कॉल करनी थी। इसी दौरान आर्मी की एम्बुलेंस गुजरी और आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादी पिछली रात बॉर्डर पार करके अखनूर में आए थे। मुठभेड़ में सेना के डॉग फैंटम की भी मौत हो गई। जम्मू के डिफेंस PRO ने कहा कि हम अपने डॉग फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। हमारे सैनिक जब फंसे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे तब फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी को झेला जिससे वह घायल हो गया। उसका साहस, वफादारी और समर्पण को कभी नहीं भूला जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें 3 जवान और 2 पोर्टर की जान गई थी। लगातार हो रहे आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने बताया था कि टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की नई साजिश है। माना जा रहा है कि इसका मकसद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना पर पानी फेरना है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी है जिसमें खास तौर पर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों और यहां तक कि सरकार या पुलिस में काम करने वाले उन स्थानीय मुस्लिमों को भी निशाना बनाया है जिन्हें वे भारत का करीबी मानते हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।